नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सी आई टी एन सी आर टी द्वारा प्रसारित इस खास सत्र में जिसमें कि हम मैथमेटिक्स का सत्र है क्लास एक के बच्चों के लिए और आपके लिए लेकर आए हैं इस सत्र में हम बहुत कुछ खास सीखेंगे आप क्लास वन में हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स सीखना और खेलते खेलते सीखना तो बहुत रोचक होने जा रहा है आज का सत्र आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर एक के माध्यम से और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एन सी ऑफिशियल के माध्यम से मैं सृजन राजपूत हूं और आप हमारे इस सत्र से जुड़े इसके लिए बहुत से माध्यम हैं आपके मन में जितने भी प्रश्न आएँ आप बेझिझक उन्हें हमसे साझा कीजिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के जरिए जो इस समय आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ये नंबर है एट एट ज़ीरो ज़ीरो फोर फोर जीरो फाइव फाइव नाइन या फिर आप सुझाव और अपने प्रश्नों के लिए हमें लिख सकते हैं ऑन डी टी एच डॉट क्लास वन ऐट द रेट सी ई टी एन डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर सो so, इन दो माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप चाहें तो आपके मन में जितने भी प्रश्न हों उन्हें हमें मेल पर और कॉन्टेक्ट नंबर पर जो मैंने आपको बताया है उन पर भेजें इसके अलावा आप हमें सुझाव भी ज़रूर भेजें कि इन सत्रों में और क्या चीज़ आप चाहते हैं कि आपके लिए हम जोड़ें और क्या खास है और क्या हमारी तारीफ में आप कुछ कहना चाहते हैं सो so, चलिए बिना किसी देरी के आप सभी को बताना चाहूंगी कि हम आपकी पाठ्य पुस्तक से गणित का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये है अध्याय नंबर दो क्या है लंबा क्या है गोल सो ये शीर्षक के साथ साथ प्रश्न भी है क्या है लंबा क्या है गोल तो ये प्रश्न करते भी हैं और शीर्षक को जानते हैं हमारे आज के अतिथि के साथ सर ब्रजेश कुमार जादौन है सर नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार सर का परिचय आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी सर नेशनल अवार्डी टीचर हैं प्रिंसिपल के प्रिंसिपल के तौर पर इस समय कार्यरत हैं करदमपुरी स्कूल एमसीडी स्कूल नई दिल्ली से तो सर एक प्रधानाचार्य भी हैं और एक शिक्षक भी हैं तो सर से ही पूछते हैं सर गणित में ये क्या शीर्षक है क्या है लंबा और क्या है गोल बिल्कुल ठीक और बच्चों जैसा सृजन जी ने बताया कि आज हम सब कुछ खेल खेल में सीखने वाले हैं और चूँकि हमारा जो शीर्षक है ना वो है क्या है लंबा क्या है गोल यानी कि आप खुद सोच रहे होंगे कि प्रश्न से शुरुआत हो रही है और चूंकि ये आप छोटी क्लास के बच्चे हैं यानी पहली क्लास है है ना तो बड़ी आपके आसपास की चीज़ों को हम जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे असरजन जी एक चीज़ और बताएं जब तो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना तो जब हम उनसे बातचीत करते हैं या जब उनसे हम सीखने सिखाने की कोई बात करते हैं तो बच्चों को उनके आसपास की चीज़ों से अगर हम जोड़ेंगे तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी उनको और उनकी समझ भी अस्थायी बनेगी और इसी का हमने कुछ प्रयास किया है तो बच्चों हम चलते हैं और चलते हैं एक शीट की ओर जहाँ एक विद्या दीदी हैं और वो बच्चों के साथ एक ग्रुप में बैठी हैं और देखते हैं वो क्या कर रही हैं आप खुद ही देखेंगे सीट में तो चलते हैं आपको उस सीट की ओर बच्चों ले चलते हैं अपने आसपास देखो तो बच्चों जैसा मैंने बताया कि आपको अपने आसपास देखना है विद्या दीदी कह रही है विद्या दीदी ने सभी बच्चों को गोला बनाकर बैठने को कहा ये विद्या दीदी है ना इन्होंने सभी जो बच्चे हैं इनसे कहा एक सर्कल में गोला बनाकर बैठो है ना तो बच्चे बैठ गए अब ये दीदी बोल रही है विद्या दीदी क्या, क्या बोल रही हैं क्या है लंबा क्या है गोल आस पास देख जल्दी बोल ही ये किसने बोला विद्या दीदी ने तभी एक लड़की बोली आप देख रहे हैं इस लड़की को और इसके पास जो वैलून है ना ये बोल रही है देखो देखो मेरा पेंसिल बॉक्स है लंबा मेरी चूड़ी है गोल क्या है लंबा क्या है गोल आस पास देख जल्दी बोल जैसे इसने बोला ना फिर एक बच्चा बोलता है इसी ग्रुप में जो बच्चे बैठे थे ना इनमें से एक बच्चा बोलता है ये बोल रहा है देखो देखो मेरी टांगे हैं लंबी मेरा चेहरा है गोल जब इस बच्चे ने ये सारी चीजें बताई अब देखो बच्चों अब बात यह है कि हमने जो शीट को देखा इस शीट में बहुत सारी चीजें भी ऐसी हो सकती हैं जहां बच्चे और भी सारी चीजें बता सकते हैं तो सजन जी आप अपने आप को इस समय पहली क्लास का स्टूडेंट समझेंगे है ना और ये जो शीट है ना हमें अपने आस क्या क्या चीजें हमें गोल गोल दिखने जा रही है तो आप बता सकते हैं इसमें क्या क्या चीज आपको और इसके अलावा क्या गोल नजर आ रही है जी सबसे पहले तो ये बच्चे भी एक गोल सर्कल में बैठे हैं। गोल सर्कल में बैठे वेरी गुड और पंखा गोल है देखिए ये पंखे का ये वाला हिस्सा ये गोल है है ना जी एक इधर भी गोल कुछ नजर आ रहा है और बताएं क्या गोल नजर आ रहा है इसमें आपको जो टीचर हैं उनका स्पेक्स भी गोल है यस yes, बच्चों इनका चश्मा ये भी गोल है और लंबा क्या नजर आ रहा है इसमें कुछ लंबा भी नजर आ रहा है क्या है लंबा क्या है गोल जी ये जी, जो बच्चा खड़ा है ना वाकई ही इसकी टांगे लंबी इसकी टांगे लंबी है।, है और देखिये अगर हम इसका ये ब्लैक बोर्ड देखते है ये गोल नहीं है सामने ये कैसा है लंबा और जो पंखा देखा था ना इसका बीच वाला हिस्सा तो गोल है ये और अगर इसकी फैन की ये वाली एक साइड देखते ना इसका है ना ये पंखुड़ी ये भी लंबी है जी। है ना और इधर देखिए इस टेबल को ये भी कुछ लंबी है गोल नहीं है तो बच्चों इसमें हमें अपने आसपास की सारी चीजों को देख रहे हैं बच्चे और देख रहे दरी जो जिस पर बैठे ना कारपेट वो भी गोल है है ना तो क्या है लंबा क्या है गोल आपको भी अपने आस की चीजों को देखना है ऑब्जर्व करना है और बताना है कि क्या है लंबा क्या है गोल अब हम आपको ले चलते हैं अगली शीट की ओर और जिसमें कुछ चीजें आपको ऐसी है जो आपके आसपास से जुड़ी हुई चीजें हैं और इन चीजों में बात करेंगे हमें कुछ छांटनी है लंबा है या गोल है अब दो हमने इसमें आपको देख पा रहे हैं कि इस तरह से एक सर्कल बना हुआ है ये तो गोल है ना गोल घेरा है और ये कुछ लंबा है गोल नहीं है ये लंबा है अब हम इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आपके आसपास के हैं और सजन जी आप मदद करेंगी बच्चों की तरफ से इसमें हमें कहाँ कहाँ कौन सी चीज आ सकती है ठीक है बच्चों अब देखना है हमें आ, हमारे पास बच्चों आपने ये देखा होगा एक इस तरह से टेप टेप है ना आप यूज करते है ना तो इसको हमें कहाँ रखना है इस बॉक्स में रखना है या इधर बॉक्स में रखना है किस में रखना है हमें गोल वाले बॉक्स में गोल रखना गोल में, में यानी कि सर्कल है ना या हम देख पा रहे हैं ना गोल है तो हमने इसको, इसको इसमें रख दिया अब हमारे पास बच्चों एक है ये क्या है आपने देखी इसका क्या नाम है बच्चों हरी मिर्च या क्या मैंने ठीक जगह रखी है नहीं सर नहीं ये किधर होना चाहिए लंबी साइड में क्योंकि हरी मिर्च लंबी है ना चलिए हम इसको इधर रख देते हैं और देखिए बच्चों हमारे पास एक ये देखो आपकी मम्मी चूड़ी पहनती होगी ना ये चूड़ी देख पा रहे ना ये लंबी है या गोल गोल ये गोल है तो हम इसको इधर रखते हैं गोल वाली जगह और देखो बच्चों हमारे पास अ ये देखो ये क्या है ये क्या है टमाटर ये लंबा होता है या गोल होता है बताओ बच्चों कैसा है ये गोल होता है ये गोल तो हम इसको गोल वाले घेरे में रख सकते हैं ना हमने इधर रख दिया अब देखिए हमारे पास एक ये ये क्या है ये एक कैंडल है कैंडल है जिसको हम मोमबत्ती भी कहते हैं ना बच्चो हुँ. तो ये गोल नहीं है ना हम नहीं. इसको कहाँ रख सकते हैं लम्बे वाले में रख सकते हैं इधर आपने रख दिया इसको जी इसके बाद हमारे पास एक और ये देखो ये चम्मच देख पा रहे ना आप इसको हमें कहाँ रखना होगा लंबे के लंबे में उसकी लंबाई ज्यादा है ना चलो हमने इसको इधर रख दिया तो इस तरह से बच्चों बहुत सारी चीजें आपके आस होंगी ये देखिए आप ये क्या है आलू जी। है ना आपको बच्चों आलू बहुत अच्छे लगते हैं ना सब्जियों में आप खाते हैं इसको सब्ज़ी बनती है आलू की तो आलू हमारा ये गोल है इसी तरह से आ, हम और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है जैसे ये देख पा रहे हैं आप है ना ये भी गोल है तो ये भी हमारा इधर आएगा गोल वाले इसमें है ना तो बहुत सारी चीज़ें जैसे आपके पेंसिल बॉक्स के अंदर ये स्केल मिलेगा आपको ये स्केल हमारा लंबा होगा तो इस तरह से अब बच्चों आपने करना क्या है ये तो मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल आपको दिखाई सृजन जी बच्चों को यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल दिखाई ना ये अब बच्चों की बारी आती है बच्चों को करना ये है कि वो घर पर अपने आसपास अपने घर पे जो भी चीज़ें उन्हें ऐसी लगती हैं जो गोल है उनको अपनी मम्मी या पापा को बताना है कि ये गोल है और ये लंबी है इसी तरह से जब आप क्लास में जाएंगे तो अपनी क्लास को ऑब्जर्व करेंगे वहाँ ब्लैक बोर्ड होगा वहाँ आपकी टीचर्स की चेयर भी हो सकती है वहाँ टेबल भी होगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कौन सी लंबी हो सकती है कौन सी गोल उनको बताना है है ना और अपने आसपास की सारी चीज़ों को क्योंकि मैंने जो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स रखे थे वो बच्चों आलू है टमाटर है मिर्च है स्केल है ये सब आपके आसपास की चीज़ें हैं तो हमने आसपास की चीज़ों से जाना क्या है लंबा क्या है गोल अब हम आगे की ओर और, और बढ़ते हैं और अगली सीट पर जब हम आएंगे बच्चों तो आपको और भी ज़्यादा मजा आएगा कि कुछ सीट्स में ये सारी बहुत रोचक सीट्स हैं और आपकी आनंदमय जो गणित की एक पुस्तक है ना क्लास वन की उससे सारी चीज़ें ये ली गई हैं तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीट की ओर जी। अब देखना है हमें एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के क्या बनाने बच्चों हमें जोड़े बनाने हैं अब आप समझ पाए होंगे ना लंबा गोल तो आप समझ गए अब हमें कुछ जोड़े बनाने हैं जो एक जैसी दिख रही हैं और जो नहीं दिख रही उसका हम नहीं बनाएंगे तो हम देखते हैं एक जैसी हमारी कौन कौन सी हमारी वस्तुएं दिख रही हैं तो चलिए बच्चों यहाँ से स्टार्ट करते कौन कौन सी चीज़ें हैं ये गेंद है इधर कहीं है जी बिल्कुल सबसे लास्ट तो में एक लाभ हाँ बिल्कुल ठीक बताया जी, आपने हमने इसको इससे ऐसे मैच कर दिया बन गया इसका जोड़ा अब हमें और देखना है छोटा बॉक्स, बॉक्स तो थो नहीं हाँ बिल्कुल छोटा है लेकिन हमने मैच करा दिया बॉक्स का बॉक्स है ये देखिए बच्चों गर्मा गर्म पूरी दिख रही है आपको है ना और इधर दिख रही है रोटी तो क्या ये हम मिला सकते हैं जी। गोल है ना दोनों चलिए पूरी गोल और रोटी भी गोल और ये हमने इसको मिला दिया और देखिए बच्चों ये ये क्या है बताइए क्या है ये ये कैब दिख रही है ना आपको जी और इसको हमने किससे मैच कर सकते हैं हम इसे ये पेपर का एक कौन है पेपर को फोल्ड करके कौन बनाया है आप भी बना सकते हैं इसको और हमने इसको इससे मैच कर दिया अब क्या बचा हमारा एक ड्रम बच गया और एक ये मोमबत्ती यानी कैंडल ये एक जैसी नहीं लग रही है तो जब हमें एक जैसी नहीं लग रही तो हम इसका जोड़ा नहीं बनाएंगे हमने केवल जो एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं का जोड़ा बना दिया ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारी को हमें मैच करना है अगर वो डिफर है नहीं मिल पा रही है उससे अलग है तो हम उसको मैच नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ इसका कोई पेयर नहीं बन रहा जहां जोड़े बन रहे थे बच्चों हमने इनके जोड़े बनाए एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं के तो आप भी इस तरह से वस्तुओं के जोड़े बना सकते हैं है ना अब हम नेक्स्ट वर्कशीट की ओर चलते हैं और वो वर्कशीट है इस तरह से और इस वर्कशीट को भी जब हम देखेंगे कि गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाना है आपको ठीक है गेंद जैसी दिखनी चाहिए पर वो हमारे पास चार ऑब्जेक्ट हैं देखिए ये क्या है तरबूज है ये पानी की बोतल है ये पेंसिल बॉक्स है और एक आइसक्रीम का कोन आपने आइसक्रीम खाई होगी ना हाँ तो देखो सृजन जी बात एक है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है ना सारे के सारे ये बच्चों के आसपास की सारी चीजें हैं जी है ना तो जो जो गेंद जैसी दिख रही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है तो हमें गेंद जैसा क्या नजर आ रहा है क्या थोड़ा बहुत तरबूज तरबूज हाँ थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत लेकिन कुछ तो है गोल ये भी है गोल हाँ। ये तो बिल्कुल ही नहीं है है ना तो हम इसको मैच करते हैं तरबूज से और इसको सही का निशान लगाते हैं और टोपी जैसी दिखने वाली आगे बढ़ते हैं टोपी ये बनी हुई जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान भी लगाना है तो टोपी जैसी कौन सी आपको वस्तु दिख रही है इन चार ऑब्जेक्ट्स में से क्या ये पूरी दिख रही है या ये पेपर का बना हुआ कौन दिख रहा है या कैंडल है या फिर ये बॉक्स जी तो ये पेपर से बना हुआ कौन हमें लग रहा है थोड़ा बहुत कैप जैसा बिल्कुल तो बच्चों यहाँ पर हम सही का निशान लगाते हैं इसके बाद गिलास जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाना है देखिए यहाँ बॉल है यहाँ पानी की बोतल फिर बॉक्स और ये पर्स है या आपकी मम्मी का भी हो सकता है टीचर का भी पर्स हो सकता है ना हुँ. अब हमें ये देखना है कि गिलास जैसा कौन सा है इसमें तो बताइए बोटल वेरी गुड तो आपकी तरफ से आंसर आया बच्चों वाटर बोटल यानी कि ये पानी जिसमें हम रखते हैं वो वाली बोटल तो इस पर सही का निशान लगाया इसके बाद अगला है दिया सलाई यानी जिसको हम माचिस भी कहते हैं हुँ. कि डिब्बी जैसी दिखने वाली वस्तु पर सही का निशान लगाना है अब माचिस की डब्बी जैसा कौन सा नजर आ रहा है इसमें हमें ये देखना है ये तो पूरी है ये बॉल है जी। ये पेंसिल बॉक्स और ये पेपर का कौन जी तो मुझे लगता है सही ऑप्शन क्या होना चाहिए पेंसिल बॉक्स पेंसिल बॉक्स तो बच्चों आपने भी यही आंसर बताया होगा गैस क्या होगा पेंसिल बॉक्स ये माचिस की डिब्बी जैसा लगता है जैसे ये माचिस की डिब्बी है ना आप देख पा रहे ना कुछ इसी तरह सा होता है इसका साइज थोड़ा बढ़ जाएगी तो वो हमारी पेंसिल बॉक्स हो जाता है तो ठीक है बच्चों ये बिल्कुल सही बताया और इसके बाद अब हम आगे और मूव करते हैं और नेक्स्ट सीट की ओर चले इससे पहले मैं आपको एक सृजन जी, जी बच्चों की समझ यहां तक तो बन गई कि बच्चे लंबा और गोल दोनों में कुछ अंतर समझ पा रहे हैं और उनकी कुछ समझ भी बन पा रही है उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी देखे है ना और मैच भी किया उन्होंने चलिए बच्चों अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और कहानी है बहुत मजेदार ठीक है उस कहानी का नाम है समझदार दादी तो हम आपके लिए जो कहानी लाए हैं वो शीट्स के माध्यम से है क्योंकि बच्चों को कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है तो कुछ उसी तरह से है तो हम मूव करते हैं उस कहानी की ओर ठीक है बच्चों तो चलते हैं इस कहानी की ओर और।, और कहानी का शीर्षक है समझदार दादी तो जैसे आपकी दादी है ना है ना आपकी भी दादी होंगी ना दादी बहुत समझदार होती हैं है ना तो कहानी समझदार दादी की एक बार एक मेमना था है ना मेमना रहा मेमना वो अपनी दादी से मिलने जा रहा था आप भी जाते हो ना अपनी दादी से मिलने ऐसी मेमना अपनी दादी से मिलने जा रहा था उसको याद आ रही होगी तो वो जा रहा था रास्ते में क्या हुआ एक भेड़िए ने मेमने को देखा वह उसे खाना चाहता था तो उसने खाना चाहता था तो मेमना बोला क्या बोला मेमना प्लीज कृपया मुझे अभी मत खाओ मुझे पहले अपने दादी के घर जाने दो और मोटा ताजा होने दो उसने कहा मैं पतला दुबला हूँ मैं दादी के घर जाऊंगा और मैं खूब खाऊंगा मोटा ताजी हो जाऊंगा फिर आप मुझे खा लेना अभी मत खाओ ऐसा किसने कहा इस मेमने तो ये क्या था ये इसका क्या नाम था भेड़िया भेड़िया बोला ठीक है तुम जा सकते हो भेड़िया ने कहा ठीक है तुम चले जाओ जी। है ना बाद में हम तुम्हें जब मोटे होके आओगे फिर हम तुमको खाएंगे तो ऐसा भेड़िया ने कहा अब यहाँ से हमारा जो मेमना था ना वो अपनी दादी के घर चल दिया जब दादी के पास पहुंचा तो मेमने ने भेड़िए के विषय में अपनी दादी को सब कुछ बताया कि रास्ते में जो जो घटना हुई थी ना वो सारी चीज बताई दादी माँ को एक विचार सूझा एक आइडिया आया दादी माँ के दिमाग में एक विचार आया उसने मेमने को एक ढोलक में लिटा दिया ये ढोलक देख रहे हो ना आप इसके अंदर उसकी दादी ने कहा कि इसके अंदर चले जाओ ढोलक के अंदर जी। और ढोलक को घर वापस के लिए लुड़का दिया ठीक है तो यानी कि कुछ दिन तो वहां पे रहा वो मेमना अपनी दादी के पास फिर जब चलने की बारी आई बच्चों तो मेमने को उन्होंने एक ढोलक में उसकी दादी ने इसके अंदर कहा इसके अंदर लेट जाओ और ढोलक को जिधर घर का रास्ता जाता उधर की तरफ लुड़का दिया तो फिर क्या हुआ जब लुड़का दिया बच्चों ढोलक बड़ी तेजी से बहुत तेजी से लुड़की है ना जी देखो लुड़क रही ना लुढ़क रही ना और जब उधर से लुड़की तो रास्ते में भेड़िया मिला तो भेड़िया ने देखा ये ढोलक कैसे लुड़क रही है तो उसने उसके पीछे भागना शुरू किया ये देखो ढुलक लुड़, रही है ना अब ये भेड़िया इसके पीछे पीछे भाग रहा है है ना भेड़िया मेमने को पकड़ नहीं सका एवं मेमना सुरक्षित अपने घर पहुंच गया ये लुढ़कते 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 अपने घर आ गया देखो देख पा रहे हो ना आप इसमें से निकल के अपने घर चला गया ये भेड़िया यहीं पर रह गया फिर क्या हुआ बच्चों ये तो अपने घर के अंदर और अंदर ही अंदर जाके बोला ये मेमना धन्यवाद दादी क्यों धन्यवाद बोला बच्चों क्योंकि दादी की वजह से उसकी जान बच गई और बेचारा भेड़िया यहाँ पर रह गया ऐसे मुँह लटकाता हुआ तो बच्चों हमने इस कहानी से जाना अब हमें बात क्या करनी इस कहानी से हमें ये कर, रास्ते में क्या क्या चीज़ें ऐसी मिली जो लुढ़कती हुई आई क्या ढोलक लुढ़कने वाली थी यानी गोल थी तो लुढ़की या लंबी थी तो लुड़की ये सारी बातें क्या आप घर से जब स्कूल जाते हो तो रास्ते में ऐसी चीजें मिलती हैं आपको कि कौन सी चीज़ें लुढ़क रही थी कौन सी चीज़ें रुक रही थी है ना तो वो सारी चीज़ें हमने इस कहानी के माध्यम से जानी यानी कि जो गोल चीज़ होती है ना वो लुढ़कती है इससे हमें एक आइडिया लगा गोल चीज़ें हमारी लुढ़कती हैं अगर ये ढोलक लुढ़क रही होती और इसके सामने कोई ईंट या पत्थर आ जाता तो शायद ये ढोलक सृजन जी रुक जाती है लुढ़क नहीं पाती है, वहीं रुक जाती हुँ. इसका मतलब हुआ कि ये रोल करने वाली चीजें लुढ़कने वाली चीजें हैं है ना जी. वो आगे की ओर बढ़ती जाती हैं ढलान वाली चीज पर है ना तो थी ना बच्चों मजेदार कहानी आपको कैसी लगी बहुत अच्छी बहुत अच्छी से. और आपको कहानी सुनना तो बहुत अच्छा लगता है है ना ये छोटी छोटी सी कहानियां ना बच्चों अपनी दादी से भी सुनोगे ना तो बहुत सीख मिलेगी बिल्कुल है ना जी अब हम आगे और चलते हैं आगे की ओर ठीक है सर ठीक है और जो सीट दिखा रहा हूँ ना बच्चों ये भी एक आप लोग पार्क में जाते हैं ना ऐसी पार्क का एक दृश्य है इसमें और इसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं कुछ उछल कूद कर रहे हैं आप सीट पर देख भी पा रहे हैं अब हमें देखना है कि इसमें करना क्या है हमें ठीक है ठीक है तो दिए गए चित्र में लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाना है एवं सरकने वाली वस्तुओं पर गलत का निशान लगाना है जो बच जो चीजें लुढ़क रही हैं उस पर हमें कौन सा लगाना है सही का निशान और सरकने वाली पर हमें क्रॉस यानी गलत का निशान लगाना है, है ना चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लुढकने वाली ये ये लड़की है ये यहाँ से जिस झूले पर भी झूले पर झूलते हो ना पार्क में जी। तो यहाँ से सरकेगी या लुड़केगी सरकेगी सरकेगी है ना तो सरकने वाली पर हमें कैसा लगाना है राइट का निशान चलिए और यहाँ पर ये क्या देख पा रहे हैं हम यहाँ पर बताइए सृजन जी, जी क्या है ये सर ये एक बॉल है एक बॉल है जी और ये बॉल क्या लुड़केगी या लुड़केगी या सरकेगी ये लुड़केगी सर। ये लुड़केगी तो लुढ़कने वाली पर हमें कैसा लगाना है क्रॉस क्रॉस है ना लुड़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाना है देखिए हमसे गलती हुई हमसे है ना बच्चों बिल्कुल यानी लुढ़कने वाली वस्तुओं पर हमें सही का निशान लगाना है और सरकने वाली पर क्रॉस तो ये वाली लड़की हमारी सरक रही है बच्चों देखिए हमें ध्यान भी रखना है तो इसको हमने क्रॉस किया ठीक है और इस पर हमने राइट का निशान लगाया ये देखिए ढोलक ढोलक है या कोई पत्थर नहीं नहीं लकड़ी का कोई टुकड़ा है बच्चों जैसे ढोलक अभी हमने देखा था ना उसी तरह से आकृति में है और ये हमारी लुढ़कने वाली है तो लुढ़केगी रोल करेगी तो उस पर हम सही का निशान लगाएंगे जी। और इधर देखेंगे ये कोई चीज भी यहाँ पर रोल कर रही है यहाँ पर रोल कर रही है ना यानी कि ये भी चीज हमारी लुड़कने वाली चीज़ है तो लुढ़कने वाली पर हम इस पर भी हम सही का निशान लगाते हैं बॉल क्या करेगी बच्चों बॉल भी लुड़केगी बॉल लुड़केगी तो लुढ़कने वाली पर हमें सही का निशान लगाना है और ये देखिए ये चूहे राजा ये क्या कर रहे हैं इस डब्बे को खिसका रहे हैं बड़ी ताकत लगा रहे हैं देखो है ना हाँ और बच्चों आप लोग देख भी रहे हो और मुस्कुरा भी रहे हो और इसको क्या कर रहे हैं धक्का दे रहे हैं यानी सरका रहे हैं है ना तो सरकने वाली पर हम इसको क्रॉस का निशान लगाएंगे तो बच्चों अपने आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपको ऑब्जर्व करना है आपको देखना है अपनी मम्मी पापा से पूछना है अपने भाई से पूछना है है ना जो भी घर में लोग हैं ये कौन सी चीज हमारे आसपास हमारे घर में सरकने वाली है या लुढ़कने वाली चीजें हैं है, है ना बच्चों तो इसका हमें अनुमान लगाना है तो इस तरह की जब बातें करेंगे बच्चों के साथ तो बच्चों की समझ बहुत स्थाई भी बनती है अब हम बच्चों अगली सीट की ओर मूव करते हैं है ना चलिए और इस सीट में है सोचो और करो अब हमें कुछ सोचना है और फिर कुछ करना भी है अब सोचना क्या है और करना क्या है पता लगाइए नीचे दिखाई गई कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं या सरकती हैं या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं सही और गलत के चिन्ह लगाइए अभी तक बच्चों हम बात कर रहे थे सृजन जी कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो लुढ़कने वाली थी और कुछ सरकने वाली लेकिन अब कुछ वस्तुएं है ऐसी हैं जो हमारी लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं तो सृजन जी आप कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम आप बता सकते हैं कौन सी चीजें ऐसी जो लुढ़कती भी होंगी और सरकती भी होंगी जी जी पहले सिर्फ लुढ़कती से शुरू करें तो जैसे हमने देखा बॉल थी या ढोलक थी जी, ये जी। सब लुढ़क रही थी जी लुढ़क रही थी सड़कने वाली चीजों में वो बॉक्स था बॉक्स और इसके अलावा एक लकड़ी का टुकड़ा भी था हाँ हाँ जो की सड़क रहा ठीक बताया आपने और भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लुढ़क भी सकते हो और सरक भी सकते हो आ, वो हम सर आप पर छोड़ते हैं कि आप हमें शीट के माध्यम से वो सभी जो चीजें हैं वो बताएंगे चलिए ठीक है बच्चों तो हम इस शीट्स को देखते हैं और उन चीजों का पता लगाते हैं कौन कौन सी चीजें जो सरक सकती हैं और लुढ़कती भी हैं। चलिए तो हमारी ये गेंद है ये क्या करेगी करेगी लुढ़केगी बॉल से आप खेलती रहो गेंद से बिल्कुल लुढ़कती है ना यस तो हमने इस पर क्या करा सही का निशान लगाया देखिए पहले हम इसको प्रश्न को पढ़ें नीचे दिखाई गई कुछ वस्तुएं हैं कुछ वस्तुएं लुढ़कती हैं है या सरकती हैं या फिर लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं लुढ़कती हैं या सरकती हैं या दोनों ही या दोनों काम का करती हैं उनमें तो सही का निशान लगाना है बाकी में क्रॉस का निशान लगाना है तो बॉल हमारी क्या करेगी लुढ़केगी लुढ़केगी ठीक है पेंसिल बॉक्स ये सरकेगा ये सरकता है ना जी तो सरकने वाले पे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे ठीक है बुक हमारी ये भी सरकेगी ये हमारी बुक सरकेगी, तो सरकने वाली पर हमने लगाया क्रॉस का निशान ये नारंगी है, जी ये क्या करेगी? ये लुड़केगा ठीक ये है नारंगी लुढ़कती है और नारंगी सरकती भी है कैसे है। मैं आपको अब बताता हूं नारंगी का हम ये हमारी नारंगी को अगर हम रोल करेंगे तो हमारी लुढ़क भी जाएगी और सड़क भी जाएगी ये लुढ़कती भी है और सड़कती भी है ठीक है इसके बाद पानी की बोतल ये सरकेगी भी और लुढकेगी यस ये हमारी सरके भी की ये सरक भी जाएगी और लुढ़के भी ये, ये देखिए यहाँ सरक भी सकती है और लुढ़क भी सकती है ये क्या है बताइए जी ये आइसक्रीम का कप नजर आ रहा है हमें बच्चों और या हमारे पास कोल्ड ड्रिंक का भी कैन हो सकता है ये लेकिन ये आइसक्रीम है आइसक्रीम का कप है और ये कप हमारा लुढ़क सकता है और सरक भी सरक सरक भी सकता है, सकता है। तो ये लुढ़कता भी है और ये सरक भी सकता है इसके बाद ये चम्मच ये तो सिर्फ केवल के के? सरक सकती है तो सरक सकने वाले को जो सरकती है हमने उसको क्रॉस से इंडिकेट किया है और ये हमारा कोन ये भी सिर्फ आ, सरकेगा ये सरकेगा और इसको रोल करेंगे तिरछा तो लुढ़केगा भी नहीं लुढ़क भी सकता है ये ये लुड़के का भी और सरके का भी तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं अब हमें इसमें ये देखना था कौन सी चीज़ लुढ़क सकती है कौन सी चीज़ सरक सकती है तो बच्चों इस तरह से अभी तक हम केवल लुढ़कने की बात कर रहे थे सरकने की बात कर रहे थे यहाँ पर हमने बात करी जो चीज़ लुढ़क भी सकती हैं और जो चीज़ सरक भी सकती हैं तो सरकने वाली चीज़ों पर हमने इसको क्रॉस लगाया और जो चीज़ लुढ़कती हैं उसको हमने राइट लगाया और जो लुढ़कती हैं और क्रॉस और जो सरकती भी हैं उस पर भी हमने राइट का निशान लगाया यानी सही का निशान लगाया तो बच्चों आपकी समझ बन रही है क्या है लंबा क्या है गोल तो लंबी चीज भी हमारी हो सकता है वो लुढ़क सकती हो वो सरक सकती हो है ना अब हम चलते हैं अगली शीट की ओर और।, और जब अगली शीट की बात करेंगे तो इसमें एक मज़ेदार चीज दिखाऊंगा मैं आपको कुछ चीजें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ये देख पा रहे हैं आप और इससे आपकी समझ और स्थायी बनेगी क्योंकि कुछ करके जब हम देखते हैं तो बात हमारी और मजेदार बनती है जैसे अभी सृजन जी कह रही थी कि हमें क्या पता सर क्या चीज़ लुढ़केगी क्या चीज खिसकेगी तो हम जब करके देखेंगे तो और मजा आएगा अब बच्चों अब आपकी बारी है ये देखिए मेरे पास एक है ये स्केल आप देख पा रहे हैं ना स्केल और ये नीचे क्या है ये देखिए इस तरफ स्लाइड देखे. है थोड़ा थोड़ा सा कर दी, आपने थोड़ा इसको? स्लाइड है हुँ. अब हमें देखना है कि यहां से ये चीज लुड़केगी या सरकेगी अब हमें देखना है बच्चों ये देखिए ये, ये सरक रहा ना ये देखिए सरक रहा ना ठीक तो यानी कि अभी हमें पता चला स्केल हमारा सरक सकता है और ये हमारी पेंसिल देखिए क्या कर रही है ये लुढ़क रही है ये रही है अब हम सरकने की बात करते हैं तो आप देखिए अगर हमने इसको ऐसे रखा तो ये क्या कर रही है ये सरकी ना आप देखिए बच्चों देख रहे हैं ना आप यानी कि पेंसिल ऐसी है जो लुढ़क भी सकती है और सरक भी सकती है ठीक है बच्चों ये क्या है मोमबत्ती आप देख पा रहे हैं ना बच्चों ये मोमबत्ती है ना अब इस मोमबत्ती को हम ऐसे करेंगे देखो बच्चों लुढ़क रही ना बच्चों जी देखिए और ये अगर हमने इसको ऐसे करके ऐसे किया ऐसे करके लाए हम इसको अगर चो, इसका चौड़ा तला हुआ ना तो ये हमारी ऐसे करके खिसक भी सकती है ऐसे करके है ना ये खिसक भी सकती है जैसे ये देखिए आप इससे और अच्छे समझ पाएंगे ये हमारे पास एक रोल था जो हमने इसको ऑब्जेक्ट्स को दिखाया था ना तो ये देखिए ये है ना ये दौड़ के कितनी तेज स्पीड से चल रहा है ये देखिए है ना ये लुढ़क रहा है और अगर हमने इसको ऐसे करा तो ये क्या किया इसने बच्चों सरक गया ये सरक गया यानी कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो जो हमारा लुढ़क भी सकता है और सरक भी सकता है तो बच्चों इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं आप देखिए ये है ये लंबा है ना लेकिन ये हमारा ये देखिए लुढ़क लुढ़क रहा है ना इस तरह से तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी सरक भी सकती हैं जैसे नारंगी की बात थी ये हम देख पा रहे हैं ये टमाटर है अब इस टमाटर को देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा रोल कर गया और हमने इसको ऐसे किया तो ये हमारा सरक सकता है कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सरक भी सकते हैं और रोल भी हो सकते हैं तो बच्चों मुझे लगता है कि आज आपने क्या है लंबा क्या है गोल क्या चीजें लुढ़कती हैं क्या चीज जो हमारी सरकती हैं उनके बारे में अपनी समझ बनाई होगी बिल्कुल सर और सच में बहुत मज़ा आया एक तो हमने इस मैथेमेटिक्स के सत्र में एक कहानी भी सुनी जहाँ पर हमारी समझदार दादी ने बहुत अच्छी ट्रिक लगाई लुढ़कने की और आपने भी अपने सत्र में जैसे कि बताया हमें क्या है लंबा क्या है गोल क्वेश्चन मार्क जो था हमारे शीर्षक के पीछे से अब वो हट गया है और हम समझ पा रहे हैं कि हम किन चीज़ों को लुढ़का सकते हैं और किन चीज़ों को खिसका सकते हैं सर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे आपका आज के सत्र के लिए सर ब्रजेश कुमार जादव हमारे साथ हैं नमस्कार और सर एज अ प्रिंसिपल कार्यरत हैं करदमपुरी स्कूल में और सर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नेशनल अवार्डी टीचर भी हैं और सम्मान से पुरस्कृत भी हैं सर ऐसे में एक बार फिर से आपका धन्यवाद आज आपके नमस्कार नमस्कार बच्चों हम कुछ ही देर में आपके लिए सी आई टी एन सी आर टी द्वारा प्रसारित एक और लाइव इंटरेक्टिव सत्र लेकर आएंगे इसमें हिंदी में हम आपका सत्र लेंगे कक्षा दो के बच्चों के लिए हिंदी के इस सत्र में हम एक कहानी पढ़ेंगे वो कहानी होगी दादा और दादी तो अब देखते हैं कि हिंदी में दादा और दादी कौन सी कहानी का हिस्सा है या फिर वो कोई कहानी सुनाने जा रहे हैं इसके लिए तो जरूर आपको हमारे अगले सत्र से जुड़ना होगा या मैं सृजन राजपूत आप सभी से चाहूंगी अनुमति नमस्कार